अमेरिका के बयान से चीन पाकिस्तान को लगी मिर्ची। अमेरिका ने माना भारतीय विदेश नीति का लोहा, भारत को लिया सिरमाथे, बौखलाए पाकिस्तानी, मिलाया भारत के सुर में सुर, चिढ़ गया चीन। अमेरिका ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में कोई देश यदि उसकी मदद कर सकता है तो केवल भारत ही है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग में यह बात कही। अमेरिका का मानना है यह युद्ध पूरी दुनिया के लिए खतरा है जिसको रोकना बेहद जरूरी है। इस काम में भारत उसका करीबी साझेदार है। बता दें कि भारत दोनों देशों के बीच जारी जंग को खत्म करना चाहता है। पीएम मोदी कई बार सार्वजनिक मंचों पर इस बात को दोहरा चुके हैं। अब अमेरिका भी शांति दूत की भूमिका निभाने की बात कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेट प्राइस ने कहा कि हम यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता के सवाल पर भारत सहित अपने सभी सहयोगियों और भागीदारों के साथ बहुत निकटता से बात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पुतिन से द्विपक्षीय मीटिंग के दौरान ही कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है और देशों को कूटनीतिक प्रक्रिया से हल निकालना चाहिए। एक्सलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। प्रेस ब्रीफिंग में प्राइस ने कहा कि हम भारत से बहुत सहमत हैं कि यूक्रेन में सभी स्थायी शांति की बहाली जरूरी है। अमेरिका पीएम मोदी के इस बयान से सहमत है कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। प्राइस ने कहा कि हम यूक्रेन की जनता के लिए भारत के समर्थन का स्वागत करते हैं। प्राइस ने कहा, हम जानते हैं कि भारत जैसे देश जो कि रूस यूक्रेन दोनों ही देशों से संबंध रखते हैं, वो बातचीत और कूटनीति से जंग को खत्म करवा सकते हैं। आगे उन्होंने कहा, रूस यूक्रेन जंग क्षेत्रीय अखंडता और समरूपता का सम्मान करने वाली नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बनाए रखने की प्रतिबद्धता को साझा करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हम हमेशा एक नीतिगत दृष्टिकोण साझा नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह भारत के साथ हमारी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के केंद्र में है। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन न्यूज़।